और आपके सामने मंच पर जो शख्सियत बैठे हैं वो आप उनसे परिचित हैं, चौधरी वीरेंद्र जी और हेमलता जी, आप सबका स्वागत है। प्रेमलता जी, आपका स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब चौधरी वीरेंद्र जी का तो मैं परिचय दूं तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी, उनको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। और सर छोटू राम कोई 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े किसान नेता तो थे ही, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भी उनके चर्चे और उनके किस्से सुन के हम सब बड़े हुए हैं। आज भी उन्हीं के चर्चे चलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सर छोटू राम के नाम से सब वाकिफ हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुकुल वासनिक जी और पीसीसी अध्यक्ष उदयभान जी से आग्रह करूंगा कि वे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। फटका दे, आप फटके दे दीजिए हुड्डा जी को भी। पीछे से हट जाइए भाई, आप लोग सब पीछे से हट जाइए। आप लोग जो कैमरास के आगे कोई खड़े मत रहिए, बैठ जाइए। सबको पटके दे दीजिए। अभी किसी और से नहीं। राजीव जी के साथी हैं, सर छोटू राम के नाती हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव जी के साथी हैं, राम के नाती हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकुल वासनिक जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो यहां आएं और अपने विचार रखें। और अब प्रेमलता जी का हम लोग कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हैं। एक्स एमएलए भी हैं और सब जानते हैं उन्हें, जानी मानी चेहरा हैं। मैं उदयभान जी से कांग्रेस के सम्मानित नेतागण और यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ आज जो यहाँ पर कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं वे सभी सम्मानित भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो अनेकों वर्षों तक के हमारा ही एक हिस्सा रहे। कुछ समय के लिए कहीं और जरूर चले गए, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि एक पल के लिए चौधरी साहब कभी कांग्रेस से अलग हो पाए हो, और कभी हमने भी नहीं माना कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे से कहीं दूर चले गए। आज उनका यहां पर कांग्रेस में प्रवेश करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अचानक कर्नाटक जाना पड़ा और इसलिए वो यहां पर नहीं आ पाए। जो चुनौतियां आज मुल्क के सामने हैं, हमारे संविधान के सामने हैं, हमारे लोकतंत्र के सामने हैं, वो सारी स्थिति को जानकर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने फिर एक बार तय किया कि कांग्रेस के तिरंगे के नीचे आना होगा, मिलकर काम करना होगा, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के साथ मिलकर यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देना होगा। और हरियाणा में भी जहां पर पिछले कुछ सालों से पूरी तरह से अराजकता का माहौल बना है, वहां पर फिर एक बार कांग्रेस को कैसा हम सशक्त बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, और कांग्रेस की हुकूमत कैसे हम हरियाणा में ला सकते हैं, उसमें अपना योगदान देने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, प्रेमलता जी यहां पर कांग्रेस में आए हैं। इनके सुपुत्र तो कुछ दिन पहले ही हमारे बीच पहुंच गए और मैं समझता हूं
कि कांग्रेस को इनके आने से जरूर बल मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर बल मिलेगा, हरियाणा में बल मिलेगा। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो जबान पर जो आता है वही दिल में रखता है, एक ऐसा आदमी जो ये मानता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर ये पार्टी और राष्ट्र का हित होता है, उसको देखकर आज फिर चौधरी साहब कांग्रेस में आए। मैं दोबारा उनका यहां पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी और हमारे महामंत्री मुकुल वासनिक जी अभी ईस्ट एंड वेस्ट होम इज द बेस्ट ये पुरानी कहावत साबित करते हुए अपने घर वापसी में आए मेरे भाई चौधरी बिरिंदर सिंह जी, मिसेज बिरिंदर जी, रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी और हमारी बहन राजेंद्र कौर जी, खेड़ा साहब और हमारे सभी साथी जो यहाँ बैठे हैं व उपस्थित सभी सज्जनों व देवियों। देखिए, जब कोई व्यक्ति जाता है बहुत दिन के बाद घर वापसी होती है तो सबको खुशी होती है, आने वाले को भी और जिस घर में आते हैं उनको भी। तो भाई आज तो वीरेंद्र सिंह की और सभी इनके साथ बहुत सारे साथी है, ये सब कांग्रेस में ज्वाइन किया है, उनका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा मुकुल जी ने कहा कि आज समय ऐसा है, कांग्रेस को जरूरत है, देश को जरूरत है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सब 36 बरादरी होके अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, जब ही हमारा संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। तो आज सब आप आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का और इनके साथियों का बहुत बहुत स्वागत कांग्रेस में, इनको पूरा समर्थन मिलेगा। मेरे तो भाई हैं, बड़े भाई, और इससे सब जानते हो, तुम्हारे को मेरे कहने की जरूरत नहीं। तो बहुत खुशी है, भाई को तो खुशी होती है भाई के आने की, तो वो हमारे खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महासचिव प्रभारी कर्नाटका मेरे बड़े भाई श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के से आग्रह करूंगा कि वो आकर अपने विचार रखें। आदर के योग्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा जी, हरियाणा में विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय उदयभान जी, मंच पर विराजमान बैकवर्ड क्लास अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल के चेयरपर्सन कैप्टन अजय यादव जी, पूर्व स्पीकर पूर्व विपक्ष की नेता आदरणीय किरण चौधरी जी, हमारे सांसद भाई जिन्होंने अब इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की, विजेंद्र जी, पंजाब की पूर्व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल जी, आदरणीय मंच और हजारों की संख्या में मौजूद पूरे हरियाणा से आए चुनिंदा सभी नेतागण, मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांगण में, जैसा मुकुल वासनिक जी ने कहा, आदरणीय सोनिया गांधी जी की ओर से, आदरणीय खड़गे जी की ओर से और आदरणीय राहुल गांधी जी की ओर से आपका बहुत बहुत कोटि कोटि स्वागत करता हूं।
आदरणीय चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्रीमती प्रेम लता जी, हमारे भाई विजेंद्र जी और आप सब जो आज यहां आए हैं, मैं आप सबका भी हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मेरे लिए एक भावुक क्षण भी, क्योंकि परिवार के एक बुजुर्ग जिनको देखकर राजनीति में एक एक कदम आगे बढ़ाया और जिनसे बहुत कुछ सीखा चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से, किसी वजह से वो परिवार के सदस्य नहीं रहे, पर उसके बावजूद भी उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन लगातार साथ रहा और आज फिर वो परिवार के सदस्य हैं। मुझे लगता है कि इससे भावुक और इससे गौरवान्वित क्षण शायद व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं केवल एक बात और कहूंगा, जैसा आदरणीय मुकुल जी कह रहे थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ, आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ और उससे पहले इंदिरा जी के साथ लंबे समय तक आपका जो राजनीतिक जीवन है वो हरियाणा में और देश में कांग्रेस जनों के लिए एक अनुसरण का विषय। मुझे मालूम है कि एक युवा आयु में 1977 में जब कांग्रेस पार्टी केवल 2 सीट जीती थी तो उस समय भी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस का परचम 1977 में लहराया था, 3 सीट जीती थी, पोसवाल जी भी थे। और आज फिर मुझे यह विश्वास है कि आपके आने से संसद के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस मजबूत होगी। मुझे अब भी याद आता है, मैं मेरी बात को पूरी करूं, कि जब किसानों का संघर्ष चल रहा था तो चाहे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान संगठनों का हिस्सा नहीं थे, पर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये साहस दिखाया कि अपनी स्वयं की उस समय की पार्टी की लाइन तोड़ के वो किसानों के साथ खड़े हो गए। जब हमारी पहलवान बेटियों के साथ अपमानित व्यवहार हो रहा था तो ये नौजवान सांसद विजेंद्र वहां बैठे, ये सब बातें छोड़कर पार्टी की लाइन तोड़कर एक बार फिर हरियाणा की बेटियों के साथ खड़े हो गए। ये व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है, ये व्यक्ति के आचरण को भी दर्शाता है और शायद इसीलिए एक बार फिर ये जुड़ाव सुनिश्चित था। ये प्रभु ने लिख रखा था, ये गांव खेड़े ने लिख रखा था और आज फिर ये जुड़ाव हुआ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं व्यक्तिगत तौर से भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भी। मुझे ये विश्वास है कि हरियाणा में अगली सरकार बनाने में ये निर्णय निर्णायक साबित होगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद रणदीप जी। मैं आग्रह करूंगा चौधरी वीरेंद्र जी से कि वो अपने 2 शब्द आपके सामने रखें। अरे मैंने जो बात कहनी है बोल जाऊंगा, तू अपना रहने दो ना। आप सभी साथी जो यहां आए हैं, सिर्फ हरियाणा भर से नहीं बल्कि दिल्ली से भी हमारे साथी आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आए हैं और राजस्थान से भी कुछ साथी हमारे आए हैं और पंजाब से भी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे मैं ये समझता हूं कि आप भी मेरे जैसे मैं कर रहा हूं कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया में आप मेरे साथ हैं। जरा हाथ खड़े करके बताओ कि आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल साथ है साहब। दूसरी बात के जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता
भाई मुकुल वासनिक का और हमारा तो बहुत लंबा सफ़र रहा है, और सिर्फ पार्टी में नहीं सैर करने में भी हम और जनरल सेक्रेटरी हमारे बहुत ही, जिन्होंने अभी बात कही, रणदीप जी, हमारी बहन शैलजा जी। अब मैं आपको ये बताऊँ हमारी बहन क्यों हैं, ये अभी बैठी कह रही थी कि पालवा से भी आ रहे हैं आदमी, ये पालवा की बेटी है, आपको पता होगा। और हरियाणा कांग्रेस के विपक्ष में जो नेता हैं भाई भूपेंद्र सिंह जी, हरियाणा में विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि हमारे लगभग 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और ये भी मेरे भाई हैं, उदय भान जी, जो हमारी हरियाणा की कांग्रेस की यूनिट है उसके अध्यक्ष हैं, राजेंद्र कौर जी भट्टल, ये पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अगली ताली इस बात की बजानी है कि जड़े अपना हरियाणा पंजाब नारा नारा हुआ है, वहीं से एमएलए बनती थी है हमेशा, तो ये भी हमारी बहन है। और कैप्टन अजय सिंह जी, हमारी बहन किरण चौधरी जी, डॉक्टर साहब जो असलम नासिर हुसैन डॉक्टर, ये सचिव हैं, और खड़गे जी के साथ जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनके साथ काम करते हैं। और किरण जी का नाम हो गया ना, पवन खेड़ा जी की वाक पटुता, कांग्रेस के बहुत से छटे हुए जो लोग हैं जिनको वाक पटुता में बीजेपी को हराने की क्षमता है, और इसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं, हाँ, और मेरा बेटा भी है, मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी रणदीप, मेरा भाई, मेरे मामा का छोरा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा, हाँ, और हमारी बहन शैलजा, ये पालमा गांव हमारा गोती गांव है, और यहीं से ये प्रभुवाड़ा गई हैं इनके बुजुर्ग। और जैसे मैंने बताया कि पूरा कुणबा, और अगर बीजेपी को कोई कटाक्ष करना पड़ेगा कल, तो ये कहेंगे परिवारवाद, यानी उसका परिवारवाद, तो एक 140 करोड़ भी मेरा परिवारवाद, और हमने भाई बहन हैं हम, हमने हरियाणा की राजनीति में लोगों का साथ दिया है, लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, कोई खैरात में नहीं। और आपने 10 साल में हरियाणा में ये किया कि कोई बनाया ही नहीं अपना, अब जब नहीं बनाया अपना, आज आप मेरे से पूछोगे कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों? मैं दो बात आपको कहूंगा, एक तो ये कि बहुत से साथियों ने स्टार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी, मैं ये कहता हूं घर वापसी के साथ साथ, घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है, ये विचारधारा की वापसी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने मान्यताओं को निभाया है, जिस दिन पहले दिन मेरा मन बना कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाके अपनी बात कहूं,
तो मेरे को जयराम रमेश जी से मेरा संपर्क पहली बार हुआ और जयराम रमेश जी से जब मैंने अपना जिक्र किया तो उनके शब्द थे ये जो मैं दोहराना चाहता हूं, जिसकी जरूरत है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश के प्रजातंत्र में। जयराम रमेश जी कह रहे थे कि आप बेशक विपक्ष में रहे हैं, मतलब कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी। आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही। और आज भी मैं ये बात कहता हूं कि इस देश के जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को नेता और बड़े नेता की संज्ञा देते हैं, उनको भी व्यवहारिक रूप से कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गरिमा है, उसको निभाना चाहिए। और अगर हम इन मान्यताओं को निभाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो इसलिए मैं एक ये बात कही कि मैं घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी है। और विचारधारा की वापसी इसलिए, मैं कल मेरी धर्मपत्नी से कह रहा था, मैं कहा ये एक जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन मन गण, मैंने कहा इसका मतलब समझा, ये हिंदी में थोड़ी सी मेरे से ज्यादा तेज है, हाँ, और उसके आगे अधिनायक, जन मन गण अधिनायक, इसका मतलब ये कि आजादी के बाद इस देश के कर्णधार, इस देश पे राज करने वाले राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जनता है, प्रजा है इस देश पे राज करने वाली। ये रिपब्लिक है, रिपब्लिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ, ये गणतंत्र है। और गणतंत्र में लोग ही, जिसको डिक्टेटर बोलते हैं, अगर कोई गाने की शब्दों को देखे तो इस देश के सबसे बड़े जो डिक्टेटर की जिसको हम संज्ञा देते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, इस देश के गणतंत्र के लोग हैं। और इन्हीं आधार पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान की रचना की थी। और संविधान और गणतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये अगर बचानी है तो देश को उठना पड़ेगा, देश के साधारण से साधारण आदमी को उठना पड़ेगा। मैं सिर्फ वोट की बात नहीं कहता, मैं वो बात कह रहा हूं जिससे ये देश लड़ना चाहता है, अपने गणतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपनी मर्यादित राजनीति को बचाने के लिए। अगर ये चाहते हैं तो इस किस्म की संरचना करनी पड़ेगी। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप कहोगे कि आप भी 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन मैं कांग्रेस से विदा लेके गया, मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के गया था। मैं उनसे क्षमा याचना करके गया था कि किसी कारणवश मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ रहा है। और जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने मुझे अपनी कैबिनेट में लिया, उससे 5 घंटे पहले मुझे बुला के कहने लगे कि बीरेंद्र सिंह जी, आपका राजनीतिक सफर। मैंने कहा जी राजनीतिक सफर तो बहुत लंबा हो गया, 42 साल कांग्रेस में रहा हूं, और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मैं उन राजनेताओं या उन राजनीतिज्ञों में नहीं हूं जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आके अपनी पैंट जमाने के लिए
दूसरी जिस पार्टी को छोड़ के आए उसके बारे में, उसके नेताओं के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करें। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिलकर आया हूं और जितना विश्वास और जितना आशीर्वाद राजीव गांधी जी ने और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे दिया है, मेरे राजनीतिक जीवन में और दूसरा आदमी हो नहीं सकता। चौधरी वीरेंद्र सिंह, और इसलिए मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि मेरी कांग्रेस में वापसी, लेकिन मैं जिस पार्टी में 10 साल रहा हूं उसके लिए भी कभी घटिया बात नहीं करूंगा। इस राजनीति को बंद करना चाहिए इस देश में, जो घटिया बात करते हैं, जिनकी सोच इस बात से है कि हम अपने ऊपर वाले को खुश कैसे करें। मैंने ऊपर वालों को नाराज करके राजनीति की है। हाँ, और मैं ये देखता था कि मेरे को क्यों नहीं निकाल देते जल्दी। हाँ, जब मैं किसान के साथ खड़ा था, किसान भाई मेरे को आके, किसान ही उनके संयुक्त किसान मोर्चा के भी कुछ साथी मेरे को आके बोलते थे कि भाई सरकार ने बात करनी बंद कर दी, वीरेंद्र सिंह आप हमारी बात सुनते हो, कम से कम इनसे बात कर लो, कुछ निपटारा हो जाए। निपटारे की मैंने कोशिश की और आखिर में ये बात आई, किसान यूनियन के भाइयों ने कहा कि कम से कम इतना तो करो जिसके बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमेशा बात करते हैं। मैं उससे मैंने कहा बताओ, तो MSP की बात जब हुई तो सरकार ने कहा नहीं। उसके बाद मैंने कहा और कुछ बताओ, तो उन हमारे जो किसान भाई आए थे आंदोलन में जो शामिल थे, उन्होंने कहा भाई इतना तो करा दो कि चाहे बाहर बेचो चाहे भीतर बेचो, एक एक बेंचमार्क जिसको बोलते हैं वो स्थापित कर दो, उससे कम हमारी जिनस नहीं बिकनी चाहिए, फिर हम बाहर भी बेच लेंगे अंदर भी बेच लेंगे। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, यही है जिसको मैं कहता हूं कि हमारी सोच, भारतीय जनता पार्टी की सोच और कांग्रेस की सोच में अंतर। जब मैंने ये सुझाव रखा किसान का कि वो ये कह रहा है कि बेंच मार्क तो बता दो कि इससे कम कोई नहीं खरीदेगा, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, जो 5 लोग वहां बैठे थे कूद के पड़े, कूद के। हाँ, मैंने कहा क्यों कूदे, उनके मुंह से निकल गया, अरे चौधरी हम खरीदने के लिए जिस बात से हम खरीदेंगे उससे खरीदेंगे, हम कोई न्यू नहीं करते। मैं मगा भाई बेड़ा गर्क है जिसने, हाँ ये कोई इंसाफ नहीं है। और आज भी मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए नरसिम्हा राव जी के समय से लेकर 33 साल 34 साल हो गए, क्या मिला है किसान को, क्या मिला है गरीब कमेरे वर्ग को। आज मैं कांग्रेस के मंच से ये बात कहता हूं कि इस देश की 70% आबादी जो अपना खून पसीना बहाके मेहनत करके कमाती है, चाहे वो किसान के खेत में और चाहे वो हमारा कमेरा वर्ग हो, उसको इंसाफ नहीं मिला। और उस इंसाफ के लिए हमारा जो घोषणा पत्र है, आज तो मेरा भी हो गया, कल तक तो नहीं था ना, जो हमारा घोषणा पत्र आया है उसके अंदर एक एक बिंदु मैंने देखा है, और उस बिंदु पे कई बार तो घोषणा पत्र आते हैं बिंदु अटके के अटके रह जाते हैं, लेकिन अब की बार जिसने बिंदु बनाए हैं उन बिंदुओं पे राहुल गांधी जी की मोहर है, उनकी मोहर है। और मैं ये भी मानता हूं कि नौजवान आदमी ही क्रांति ला सकते हैं, और उन्होंने कह दिया कि MSP का कानून बढ़ाएंगे, मेरा उनसे थोड़ा बहुत सूत बैठा तो मैं उन्हें कहूंगा जी इतना बता दो कि किसान बाजा बाजा फिर कहा भाई मेरी गोद गर्म हो गई, ठीक बेचा, यही बात कमेरे वर्ग के लिए। तो ये जो वास्तविकता है इससे भारतीय जनता पार्टी तो कोसों दूर है।